रथ के एपिसोड नंबर 3 और 4 यार किस तरह की होने वाली है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यार बात करें इसकी एपिसोड नंबर 1 और 2 के ऊपर, ये वो काफी ज्यादा अच्छी काफी ज्यादा बेहतर हमें एपिसोड नजर आई, और हम बात करते हैं अगली आने वाली एपिसोड में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो भाई सबसे पहले तो हमें जैसे कि पहले एपिसोड में ये दिखाया गया कि जो जैन है वो ईमान से मिलने जाता है उसके घर, मतलब के रिश्ता लेके जाते हैं उसके सारे घर वाले, और काफी ज्यादा दोनों एक दूसरे को मतलब के ठीक भी लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यार पहली मुलाकात में हम एक दूसरे को जज नहीं कर सकते। और यहाँ पे मुझे जो लगता है कि जो जैन है यार उसको काफी ज्यादा ईमान से अब आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और वो उसको काफी ज्यादा पसंद भी करता है। भाई मुंह पे स्माइल स्माइल फुल देता है लड़का, और मुंह से ही लगता है, चेहरे से ही लगता है कि भाई बंदे ने उसको पसंद कर लिया है, और बहुत जल्द वो उससे प्यार भी करने वाला है। लेकिन मुझे लगता है इन दोनों की बहुत जल्द शादी भी होगी, अगर ऐसा ही हुआ कि रिश्ता भी लेके आए तो ऐसा नहीं हो सकता शादी हो, क्योंकि जो इस टाइम ईमान की बहन है उसके जो मियां है वो नहीं चाहेगा। अगर वो इसके साथ शादी करवा ली तो भाई उसको भी वहां पे तलाक वगैरह हो सकती है, तो ईमान की बहन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हो सकती हैं, जिसकी वजह से अभी फिलहाल जो जैन है उससे इसकी शादी नहीं हो सकती। तो ऐसे हमें ये देखने को मिलेगा जो जैन है उसको ईमान से काफी ज्यादा प्यार हो जाएगा, जो कि हमें टीजर्स में भी दिखाया गया कि भी वो फुल जोगी शोगी बने हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती है उसकी, वैसे दाढ़ी है लेकिन वो रफ वाली दाढ़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ तो यार सलार तो वैसे भी इसके पीछे पागल हो चुका है, मतलब कि काफी अरसे से वो प्यार करता है, कब से उसने देखा हुआ होगा काफी अरसे से, और कब से वो जो है ईमान को वो प्यार भी करता है। और दूसरी तरफ जो सलार है उसके ऊपर भी बहुत सारी अलग अलग किस्म की यार उसके इस फैमिली में बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारी चीजें होंगी जो कि इस ड्रामे में हमें आगे देखने को मिलेगी, और खास तौर पे इसके फैमिली के अंदर जो कि आपको पता है कि इसको जो बड़ा भाई है उसने पहली 2 एपिसोड के अंदर इसको मारा भी था, और उससे उस एक मार की शिद्दत से हमें पता लगता है कि यार इसकी घर में कितनी गंदी होती है, कितना मतलब कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी इसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट घर में है। और जो पिछले एपिसोड में एक सीन ये भी दिखाया गया था कि बचपन से ही इसको मार पड़ रही है, मतलब कि बाप भी मार रहा है बचपन से, और अब पता नहीं कि उसके पीछे क्या रीजन है कि भाई इसके साथ इतना ज्यादा जुल्म किया जाता है। पता नहीं वो क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि भाई जो सलार है वो बहुत ज्यादा डरा डरा सहमा सहमा रहता है और फैमिली से बहुत ज्यादा दूर रहता है। अब ये भी देखना होगा कि यार ये दो लोग हैं, दो में से कौन भटकता हुआ फिरता है सड़कों पे, भाई जैन या सलार। सलार मुझे लगता है कि शायद वो ज्यादा फिरेगा, उसके साथ ज्यादा मुश्किलात होंगी कंपैरेटिवली जैन के, लेकिन जैन भी काफी ज्यादा भटकने वाला है जो कि हमें टीजर्स में दिखाया गया है। ये दोनों एपिसोड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग काफी ज्यादा मजे की होने वाली हैं। आप इसके लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।